सो जैसे ही आपकी पीडीएफ फाइल आएंगी, उन पीडीएफ फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके और कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उनको चंक्स में डिवाइड करके हम एम्बेडिंग्स जो है गेट करते हैं। क्या है, और ये प्रोजेक्ट है आपका एक चैटबॉट जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है बेस्ड ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स। तो इस प्रोजेक्ट को जो है बेसिकली आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, या फिर अपनी प्रोफेशनल लर्निंग के लिए, या फिर पर्सनल लर्निंग के लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। सोर्स कोड के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं और पिंड कमेंट में भी डाल दी हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम जो है इसका डेमो करेंगे, उसके बाद एक डिटेल्ड आर्किटेक्चर देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट का, ये कैसे काम कर रहा है, उसके बाद मैं आपको जो है क्विक कोड वॉक थ्रू करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डेमो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक वेब पेज खुला हुआ और चैट जीपीटी टाइप का एक वेब पेज खुला हुआ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाय वेलकम आई एम ए फिनबोट हाउ मे आई हेल्प यू। सो बेसिकली ये एक चैट बोट है, आप इसमें जो है अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जो सैंपल पर्पज के लिए डॉक्यूमेंट जो यूज किया है वो ओके। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख ही पा रहे हैं तो बेसिकली ये जो है ओके, तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिस इज द बजट ऑफ 2023 एंड 2024, और इसमें ये एक पीडीएफ फाइल है और इसमें बहुत सारे पेजेज हैं, 58 पेजेज हैं। आप ऐसे ही बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसा इसमें जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक वो है, बहुत सारी इसमें इस पीडीएफ फाइल में बहुत सारा कंटेंट है और इसको एज ए डेटा सोर्स जो है यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले लेट से एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए जैसे ये इसमें यही पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट। सो कैन यू लिस्ट डाउन द प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट। सो जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने क्वेरी किया यहाँ पे जो है लैंग चेन जो बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स जो बैकग्राउंड में चल रही है वो शुरू हो गई। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है जो इवेंट्स जो है प्रोसेस में है। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पावर ऑफ योर मशीन। अगर आपकी मशीन जो है कितनी पावरफुल है, कितना आपकी मशीन में रैम है, कितना अच्छा सीपीयू है या जीपीयू है। एंड इसमें एक इस प्रोजेक्ट की एक खास बात ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जीपीयू नहीं होता है तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली सीपीयू बेस्ड बनाया है, तो ये सीपीयू वाले यूजर्स के लिए भी चलता है। एंड ओके, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका रिस्पॉन्स आ गया, बहुत ही इसने जो है ये जो हमने जो पूछा था इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आई मीन ये जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो यहाँ पे ये दिखाता है, बेसिकली डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है और इसको जो है आप जो है क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं उनको भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बात करते हैं इसके रिस्पॉन्स की, इसने जो 7 प्रायोरिटीज दी हैं लेट्स सी वो इसमें क्या थी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑल दोज थिंग्स। सो जैसे आप देख पा रहे हैं इसने ग्रीन ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड स्किल डेवलपमेंट। सो इसने जो वो सारी जो है प्रायोरिटीज बजट की जो थी वो सारी दी है। एंड उसके बाद जो है जैसा आप देख पा रहे हैं इसने यहाँ पे वो डिटेल्स भी देता है ये कि इसने बेसिकली किस सोर्स डॉक्यूमेंट से अपना जो है आंसर को कंस्ट्रक्ट किया है और कौन कौन से सेगमेंट्स को जो है इसने बेसलाइन बनाया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट और पेज नंबर 5 एंड यहाँ पे जैसे ग्रीन ग्रोथ का एक पैराग्राफ है उस डॉक्यूमेंट में उसको उठाया है। ऐसे ही यहाँ पे इसने बताया कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है, डेटा के अंदर बजट स्पीच डॉट पीडीएफ। मैं अगर वो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डेटा के अंदर बजट स्पीच डॉट पीडीएफ। सो इसने जो है वो सारी डिटेल भी दी है कि किस सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस सोर्स से उसने उठाया, किस पेज नंबर से उठाया और क्या बेसिकली वो कंटेंट था जिसको इसने रेफर किया है इसका आंसर कंस्ट्रक्ट करते टाइम। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली ये सिमेंटिक्स के बेस पे काम करता है, सिमेंटिक्स एज इन की बेसिकली उस चीज का क्या मतलब है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। सो इसमें बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड
बेसिकली हो भी सकता है कि ना मैच करें आंसर, लेकिन क्योंकि ये सिमेंटिक बेस्ड है और बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये आंसर का कॉन्टेक्स्ट समझेगा और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर करता है। सो जैसे कि मान ली, ऐसा भी हो सकता है कि पीडीएफ फाइल में यहाँ पे लेट्स से जॉब क्रिएशन के बजाय न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन इसने आंसर करते टाइम जो है जॉब क्रिएशन एज वन ऑफ द प्रायोरिटीज बताया है, तो दिस इज हाईली पॉसिबल। लेकिन क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इट मे वेरी। और ये सेटिंग भी आप जो है अपने कोड में कंफिगर कर सकते हैं कि आप कितना बेसिकली मॉडल को लेवरेज देना चाह रहे हो कि वो उसकी क्रिएटिविटी को यूज कर पाए। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट से मैं अगर मान लो इसको एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। कैन यू प्लीज इलेबोरेट अबाउट, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ कि ग्रीन ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन ग्रोथ, या उसको ग्रीन ग्रोथ को एलेबोरेट करके बताओ मुझे ये क्या होता है। सो लेट्स सी, अगेन ये थोड़ा टाइम ले सकता है एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। एंड ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। ग्रीन ग्रोथ रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। दीज एफर्ट एम टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल प्रमोशनली प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस लाइफस्टाइल, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन ए विजन फॉर लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट व्हिच सीक्स टू स्पेयर और व्हाटएवर। सो आई थिंक ये जो है इसने बहुत ही सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे इसने फिर बाद में जो है जैसा आप देख पा रहे हैं अगेन फिर से इसने सोर्सेज भी दिए हैं कि किन सोर्सेज का डॉक्यूमेंट बेस से किन सोर्सेज का जो है इसने जो रेफरेंस लिया अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देता है। सो ऐसे ही आप जो है इसको अपने पर्पजेज की अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट हाईली कस्टमाइजेबल है। उसके बाद एक बहुत ही स्मॉल सी चीजें हैं लेकिन यूआई पे, क्योंकि इसका इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त मैंने चेनलीट का यूज किया है। चेनलीट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क जिसको आप यूज करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे अगर आप डार्क मोड ऑफ कर देंगे तो ये इसका जो यूआई चेंज हो जाएगा, वाइट में आ जाएगा अगर ऑन कर देंगे तो। एंड हाइड चेन ऑफ थॉट, जैसे ही ये क्वेश्चन को आप पूछते हो और यहाँ पे बहुत सारे अगर आप इसको हाइड कर दोगे तो जैसे यहाँ पे चेन ऑफ थॉट्स आया था वो नहीं दिखाएगा। एंड एक्सपेंड मैसेजेस को ऑन कर दोगे तो यू विल बी एबल टू एक्सपेंड द मैसेजेस। ये बहुत ही बेसिक सी आपकी जो है चैट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं इसके आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में मैं आपको जो है इसका एक्सप्लेन करूंगा आर्किटेक्चर बेसिकली कैसे काम करता है। चलिए इसकी बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेट्स से यूजर है और यूजर आपका जो है क्वेरी करता है, जैसे कि मैंने क्वेरी की थी। वो क्वेरी जो है आपकी जैसे ही यूजर क्वेरी करता है उस यूजर क्वेरी की क्वेरी एम्बेडिंग्स बनती हैं। एम्बेडिंग्स अगर प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो आप अपने टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो जिसको मॉडल समझ पाए, और उन क्वेरी एम्बेडिंग्स को सिमेंटिक सर्च उन क्वेरी एम्बेडिंग्स को लेके सिमेंटिक सर्च की जाती है किसके ऊपर, आपके नॉलेज बेस के ऊपर। अब इस स्टेप से आगे जाने से पहले पहले मैं ये वाला स्टेप जो है क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे होता क्या है कि जब आप बिल्कुल शुरुआत करेंगे तो आप अपनी लेट्स से जितनी भी पीडीएफ फाइल होंगे जो कि आप अपना नॉलेज बेस बनाना चाह रहे हो वो पीडीएफ फाइल दोगे। इसमें एक बेसिकली एक फाइल है जिसको यूज करके आप जो है उन पीडीएफ फाइल को अपने नॉलेज बेस में इंजेस्ट कर सकते हो। सो जैसे ही आपकी पीडीएफ फाइल आएंगी उन पीडीएफ फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके और कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उनको चंक्स में डिवाइड करके हम एम्बेडिंग्स जो है गेट करते हैं। एम्बेडिंग्स अगेन वही है जैसे जो मैंने अभी आपको बताया। एम्बेडिंग्स के लिए भी आपके जो एक मॉडल होता है जिसका हमने यूज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉडल यूज किया है। उन एम्बेडिंग्स का यूज करके जो है हम एम्बेडिंग्स बना लेते हैं और उनको एक सिमेंटिक इंडेक्सिंग भी दे देते हैं। ठीक है, और उस सिमेंटिक इंडेक्सिंग के बेस पे हम एक नॉलेज बेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से अब मैं वापस से इस स्टेप पे आता हूँ। जब
यूजर ने क्वेरी की थी, उस क्वेरी को हमने उस क्वेरी की अकॉर्डिंग जो एम्बेडिंग्स बनाई, एम्बेडिंग्स को सिमेंटिक सर्च करेंगे इस नॉलेज बेस के ऊपर जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पहले से। तो जैसे ही यूजर यहाँ से क्वेरी करता है, तो यूजर जैसे ही क्वेरी करता है तो उसकी सिमेंटिक सर्च होती है इस नॉलेज बेस के ऊपर। सिमेंटिक सर्च अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो सिमेंटिक सर्च आपका ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नहीं करता, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है उस चीज का, वो उसके बेस पे जो है वो करता है। सिमेंटिक सर्च का एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम होती है आपकी कोसाइन सिमिलैरिटी की, जिसमें कि बेसिकली आपका जो आप देखते हो कि दो दो बेसिकली दो टेक्स्ट कॉर्पसेस में कितनी सिमिलैरिटी है बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, बेसिकली उनका मीनिंग कितना सेम है। तो यहाँ पे फिर सिमेंटिक सर्च होती है। सिमेंटिक सर्च होने के बाद यहाँ पे हम जो है कुछ रिजल्ट्स को रैंक करके रख लेते हैं, ना कि हम सारे रिजल्ट्स दें, तो जो कि मोस्ट रेलेवेंट होते हैं वो देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब यूजर क्वेश्चन करता है, यूजर क्वेरी करता है, यूजर क्वेरी करता है, तो एक कॉपी इस यूजर क्वेरी की बेसिकली आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होस्टेड है जेन ए आई, इस केस में हम जो है ओपन सोर्स का लामा टू, बेसिकली फेसबुक का जो ओपन सोर्स मॉडल है लामा टू, उसको यूज कर रहे हैं। तो एक एक कॉपी यहाँ पे जाती है और एक कॉपी से हम उसकी क्वेरी एम्बेडिंग्स निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से उस सिमेंटिक सर्च के बेस पे उस नॉलेज बेस में से हम रिजल्ट्स को रैंक कर लेते हैं। सो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का हमारे पास कॉर्पस आ जाता है कि हाँ हमारा आंसर जो है इस कॉर्पस में है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा यूजर का एक यूजर जो ने जो क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देते हैं। दैट मीन्स हम एक क्वेश्चन देते हैं और उसका एक पॉसिबल आंसर का जो कॉर्पस है हम वो देते हैं। हम बोलते हैं मॉडल को कि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है, सो यू नीड टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल फिर अंडरस्टैंडिंग करता है दोनों को लेके कि क्या यूजर की क्वेरी है और क्या कॉन्टेक्स्ट है, उन दोनों का यूज करके जो है फिर आपका जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है आपको आंसर कर देता है। सो दिस इज ओवरऑल आर्किटेक्चर या दिस इज ओवरऑल फ्लो की बेसिकली चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम जो है लास्ट में नेक्स्ट एक क्विकली हम जो है कोड की तरफ भी चल सकते हैं। कोड में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो बेसिकली जैसे आपका जो है बजट स्पीच, यहाँ पे इस डेटा फोल्डर में आप जो है आप अपनी एक नहीं जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल्स है आप उन सबको डाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर मशीन कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे अपने इसमें कोड में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उस पे जाने से पहले एक बार मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ कि हम इंजेस्ट कैसे करते हैं और इंजेस्ट करने के बाद हम हमारा बोर्ड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक जो है इंजेस्ट डॉट पी वाई फाइल लिखी हुई है, इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पीडीएफ फाइल्स को रीड करता है। हम जैसे मैंने बताया था हम टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट आता है हम उसको जो है वहां से हम एम्बेडिंग्स निकालते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिवाइस इज सीपीयू, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोड मैंने सीपीयू को लेके डिजाइन किया। लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करते हो और आपके पास जीपीयू है तो आप यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है, आपको यहाँ पे जीपीयू दे सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैंने जो है ये वाला एम्बेडिंग्स का मॉडल यूज किया है, ये बहुत ही मिनी एलएम है, ये बहुत ही कम मेमोरी यूज करता है और जल्दी रिस्पॉन्स देता है, तो इसको मैंने यूज किया है। आप हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे एम्बेडिंग बेस्ड मॉडल्स हैं, आप डिफरेंट मॉडल्स को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे नेम ऑलरेडी कमेंट करके रख रखे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर मशीन। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जो है नेम डाल देना। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें एम्बेडिंग्स आती हैं फिर हम एम्बेडिंग्स को डीबी में स्टोर कर लेते हैं और डीबी में वेक्टर बेसिकली हम उसका एक वेक्टर स्टोर बनाते हैं और अपने डीबी में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर बोर्ड डॉट पी वाई एक और फाइल है जिसका एक क्विकली बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे पहले कस्टम प्रॉम्प्ट को बना रहे हैं। कस्टम प्रॉम्प्ट को बनाने के बाद यहाँ पे हम मॉडल को लोड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ब्लॉक का बेसिकली लामा 2 7 बिलियन वाला जो जीजीएमएल वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई दूसरा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे बस उस मॉडल की आईडी जो है चेंज करनी है, दैट्स इट। जैसा मैं आपको पहले बता भी रहा था कि
मॉडल को आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाह रहे हो, उसके आंसर करने में कितना क्रिएटिविटी वो अपने अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके आंसर कर पाए, वो पैरामीटर होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो वो बेसिकली बिल्कुल ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, और वो स्पेसिफिकली बिल्कुल स्पेसिफिक बेसिकली वो ज्यादा हार्ड होगा अपने आंसर करते वक्त, और बिल्कुल स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर ही फोकस करेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू कम रखते हैं तो बेसिकली वो मॉडल के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और मॉडल अपने अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर बिल्ड कर सकता है। उस केस में कई बार आपका ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा कई बार मॉडल ओवर थिंक कर लेता है और वो उतना रेलेवेंट आंसर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर की वैल्यू 0.5 रखी है, 0.5 मतलब 50%। सो बेसिकली मैंने इनडायरेक्टली अगर सरल भाषा में बताऊं तो 50% जो है आपका मॉडल को क्रिएटिविटी की छूट दी गई, और 50% बोला गया कि नहीं, आप यू शुड फोकस, यू शुड नॉट गेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना आंसर करना है। ठीक है, ऐसे ही और बाकी की डिटेल्स हैं यहाँ पे इसमें, कैसे आप कोड को बेसिकली आप कैसे आपका बोट फिर सेशन क्रिएट करता है, कैसे आप मैसेज जब यूजर मैसेज करता है तो वो कैसे होता है, और वो बहुत सारी डिटेल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्विक कोड वर्क थ्रू कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं, बेसिकली कौन कौन से डिपेंडेंसी जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमने जो यूज किए हैं वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में लिस्टेड हैं, और यहाँ पे जो हमारा वेक्टर स्टोर है जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बाकी की जो अदर फाइल्स हैं। सो ये हमारा जो है बेसिकली एक क्विक कोड वॉक थ्रू हो गया। अब आप इस प्रोजेक्ट को जो है अपने, जैसा मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर द सोर्स कोड। और इसके अलावा स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन AI ML जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी एंड ऑल दो डेटा रिलेटेड स्टफ, और डेटा साइंस रिलेटेड, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टफ, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। इफ यू हैव नॉट लाइक्ड माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये वीडियोज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट जाता है, तभी जो है मैं आपको आपके लिए एक वीडियो ले पाता लेके आ पाता हूँ।